हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलो बनाते हैं पनीर की भुर्जी। तो पनीर की भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ एक मीडियम साइज का प्याज, टमाटो, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लिव्स एंड कुछ गार्लिक के क्लोव्स जो मैं काट के रखी हूँ। तो चलो बनाते हैं इसकी प्रोसेस। तो मैं अभी गैस पे ऊपर एक पैन को चढ़ाई। पैन को चढ़ाने के बाद इसे थोड़ी देर हम गर्म करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे अराउंड 2 से 4 चम्मच। और तेल को थोड़ी देर हम गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे हम काली मिर्च को ऐड करेंगे। काली मिर्च से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है पनीर की भुर्जी में। काली मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जीरा को ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद उसको 3 से 4 सेकेंड छोड़ के हम यहाँ पे लहसुन ऐड करेंगे। इसके बाद आपको याद रहे गैस के फ्लेम को कम रखें क्योंकि लहसुन जलने की चांसेस बहुत रहता है। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन चिलीज को ऐड करेंगे। यहाँ पे आके हमारा ग्रीन चिली ऐड करने के बाद दोनों को थोड़ी देर हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम जो प्याज काट के रखे थे सब ऐड कर देंगे यहाँ पे और तीनों चीज को हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक प्याज अच्छे से पक नहीं जाता। प्याज एक बार पकने के बाद हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ही ऐड करना, ज्यादा नहीं। और सबको अच्छे से मिलाएंगे और प्याज को और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा टमाटो। टमाटो ऐड करने के टाइम आप याद से थोड़ा सा नमक भी डालें क्योंकि टमाटो ऐड करने के बाद ये जल्दी से पक जाता है। टमेटो पकने के बाद यहाँ पे मैं अपना पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर में अराउंड 200 ग्राम्स ऐड कर रही हूँ और पनीर को थोड़ी देर हम अपने वेजिटेबल्स के साथ सौते करेंगे जिस तक इसका पानी टेक्सचर ना निकल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मसाला ऐड करेंगे। आपको जो भी मसाला पसंद है खाने में आप वही ऐड कर सकते हो। और पनीर का थोड़ा सा वो जो वाटरी टेक्सचर जाने के बाद यहाँ पे हम फाइनल स्टेप अपना कोरिएंडर लिव्स ऐड करेंगे। कोरिएंडर लिव्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पे गैस को ऑफ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।